सिविल सर्विसेज एज फिलंस और कल के प्रशासक, आपका स्वागत है साइंस एंड टेक के इस डिस्कशन में। यह लेक्चर 23 है और इसमें हम वी विल डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू फॉर विच द चांसेस ऑफ डेजर्ट ऑन द अर्थ इज मोर। लैटिट्यूड का क्या मान होगा जिसके लिए पृथ्वी पर डेजर्ट होने की अधिक संभावना होगी? द आंसर इज अराउंड 23 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, जैसे आप जानते हो कि सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड दैट इज आल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन। नेक्स्ट कम टू विच एडिबल प्लांट हैज मैक्सिमम प्रोटीन। ये चार बार दिए गए, तूर, सोयाबीन, पीस और ग्राम, इसमें सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में है? तो यहां पे देखें, यहां पे जब हम तूर की बात करते हैं तो तूर में क्या 20.9% प्रोटीन होता है। सोयाबीन की हम बात करते हैं ये भी 40-42%। एंड यदि ग्राम चना की बात करते हैं इट इज 21.1%। एंड पीस की बात करते हैं इट इज 22%। एंड दैट्स व्हाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां पर मैंने दिया है। इसमें आवश्यक है कि व्हाट सोयाबीन, जो सोयाबीन में सबसे अधिक है। सी हियर, नेक्स्ट कम टू थर्ड क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर प्रणाली है उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट, तो यहां पे आप देखें कि जो प्लैनेट में सबसे बड़ा जो बिगेस्ट है इट इज जुपिटर। जुपिटर, राइट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। क्योंकि विंटर प्लैनेट क्यों बोलेंगे इसको? विंटर में जाड़ा, जाड़े का प्लैनेट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि एवरेज जो टेम्परेचर है वो काफी कम होता है। एवरेज टेम्परेचर इज वेरी लो, एवरेज टेम्परेचर इज वेरी लो, इट इज अराउंड -148 degrees Celsius। नेक्स्ट कम टू फाइंड द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इफ 100 watt इलेक्ट्रिकल बल्ब इज लाइटेड फॉर 10 आवर्स। जैसे मान लिया जाए आपके घर में क्या है कि 100 watt का बल्ब है, जैसे मान लिया, और वो क्या है 10 घंटे तक उसे प्रकाश देते हैं, तो कितने इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन होगा? राइट, तो याद रखिए पहले सिंपल यह होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर, राइट, बेसिकली इट इज एक्सप्रेस इन किलो वाट आवर। राइट, एक्चुअली यार इट शुड बी आपकी एनर्जी नॉट बी पावर, देयर इज मिस्टेक इन द क्वेश्चन। So the hours question must be modified to find the consumption of electrical power, not power, energy. It's wrong. Power is 100 watt electrical bulb is lighted for 10 hours. यहाँ पे term है kilowatt hour. Kilowatt hour is known as unit. तो मतलब क्या हुआ? Kilowatt का मतलब ये हुआ, hour का मतलब हुआ कि watt hour and बटा आप क्या करेंगे? Kilo convert करेंगे तो 1000 करना पड़ेगा ये। और आप देखिए यहां पे कि वाट कितना है हमारा, 100 वाट है, और आवर्स कितना है 10 आवर्स है डिवाइड बाय 1000, राइट, कितना
कितना हो जाएगा, इट्स ऑल इट विल कम आउट टू बी 1. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन इज 1 यूनिट. 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट आवर. 1 किलो वाट आवर मींस 1 यूनिट. यहां पर कितना कंजम्पशन होगा, 1 यूनिट कंजम्पशन होगा यदि 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक अगर हम प्रकाश वेव से तो राइट. इस तरीके से और भी किसी तरह का सवाल आएगा आप जरूर इसको कर लेंगे, याद रखेंगे आप इसको. नेक्स्ट हमारा है व्हाट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इफ इट्स पावर इज टू डायोप्टर. डायोप्टर क्या है, डायोप्टर ये क्या है, यूनिट ऑफ पावर है. लेंस है, लेंस के जो पावर होते हैं उसके यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं डायोप्टर में. एंड इट इज डिफाइंड दैट पी इज इक्वल टू 1 बाय एफ एंड दिस एफ मस्ट बी इन मीटर. एफ का मान जो होगा वो मीटर में होगा. तो मतलब क्या होगा हमारा, हम इसे निकाल सकते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो एफ इन मीटर इज इक्वल टू 1 बाय पी राइट. तो दिस विल कम आउट टू बी कितना हो जाएगा, ये एफ इन मीटर और हमारा क्या है कि डायोप्टर कितना है 2 है इज इक्वल टू 1/2. सो दैट्स व्हाई फोकल लेंथ क्या हो जाएगा लेंस का, एफ इज इक्वल टू 1/2 मीटर इज इक्वल टू 1/2 इनटू 100 सेंटीमीटर इट विल कम आउट टू बी 50 सेंटीमीटर. सो आंसर, सो अगर इन मीटर की बात हम करेंगे तो हाफ मीटर होगा. मीटर में क्या हो जाएगा, हाफ मीन्स फोकल फोकल और कितना हो जाएगा, हाफ मीटर. और यदि सेंटीमीटर की बात करेंगे तो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर. इस फॉर्मूला का याद रखेंगे कि पावर पी इज इक्वल टू 1/8 इन मीटर. अतः याद रहेगा तो आप इस तरह से कैश किसी भी तरह क्वेश्चन आएंगे दे विल करेक्टली आंसर विदाउट एनी कन्फ्यूजन इन द एग्जाम हॉल. परीक्षा हॉल में बगैर किसी कन्फ्यूजन का आप सही से उत्तर कर पाएंगे. इसलिए मस्ट रिमेंबर दिस, पी इज इक्वल टू 1/f एंड एफ मस्ट बी इन मीटर. नेक्स्ट कम टू व्हाट इज यूज्ड एज अप्लाइड इन कार बैटरी. कार बैटरी में कौन सा अप्लाइड इस्तेमाल होगा, तो आवर्स आंसर इज H2SO4. दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब हुआ कि जब ये टूटेगा तो H प्लस HO4 माइनस माइनस में हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन में ये कंप्लीटली ये क्या होगा टूट जाएगा. और ये क्या होगा, इस चीज को बोलते हैं लोग स्ट्रॉन्ग एसिड. तो कार बैटरी में कौन सा अप्लाइड होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.